हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल हैं उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेड लिप्स वाली लोग कि कैसे आप प्यारा सा सिंपल सा आई मेकअप करें ताकि आप रेड लिप्स पहन पाए एंड एंड मेरा फेवरेट रेड लिप शेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को देखते रहें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना एंड अगर आपके पास बहुत सारे अगर हैं अगर आपके पास कोई मेकअप से रिलेटेड वीडियो की रिक्वेस्ट है इस फेस्टिवल सीजन को लेके तो, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं हम जरूर ही उस पर काम करेंगे सो विदाउट फर्दर ड्यू आज की वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं और एक दोस्तों हम यूज़ करेंगे मार्फी की पैलेट जो कि है 25D इसमें सारे वार्म शेड हैं अगर आप समवन मेरी तरह हैं जिसको वार्म शेड्स अच्छे लगते हैं तो ये आपको पैलेट बहुत अच्छी लगेगी आप देख सकते हैं कि कुछ शेड्स बुरी तरह जा चुके हैं उन्हीं शेड्स को दोबारा यूज करूंगी सो so, सबसे पहले ये ब्राउन मैं एक फ्लफी ब्रश पे लेने वाली हूँ एक्सेस को उतार दूंगी क्योंकि एकदम से मुझे बहुत ज्यादा कलर नहीं चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आज का जो हाईलाइट है हमारे लिप्स हो राइट right? एंड एक पिद्दी शीशा चाहिए था बट सो so, हम हमारे क्रीज में कलर को करेंगे डिपॉजिट समर हेयर एंड देन उसे हमारी क्रीज में भी ब्लेंड कर देंगे एंड बाहर की तरफ ब्रश कैसे स्ट्रोक मारेंगे कि क्या टाई जैसे लुक हो आप देखें कि कितनी अच्छी प्यारी पिगमेंटेशन है इस कलर की ये पैलेट बहुत प्यारी है किसी भी बिगनर दोस्त के लिए अगर वो मेकअप से बिगिन कर रहे हैं एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि वार्म एंड जो न्यूट्रल शेड्स होते हैं वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं इस चक्कर में इस तरह हमने ये कलर को लगा लिया है हमारी क्रीज में अब आप इसको थोड़ा और डीप कर सकते हैं पर मैं नहीं करना चाहती हूँ सो so, मैं लेने वाली हूँ ये वाला शेड मुझे लगता है कि ये सारी पैलेट में सबसे ज़्यादा लाइट है इसी ब्रश पे ले, ले लेते हैं बहुत ही क्रीमी शेड है आ, मुझे मोरफी के आ, आई शेडोज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अगर आप लाइक मेकअप की दुनिया में आए हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन से पैलेट लें तो मौर्फी की पैलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके ना उनके जो शेड्स है बटरी स्मूद होते हैं सो so, इसी ब्रश से मैं एक ही एक दो स्ट्रोक्स में जो जगह खाली है उसको भर देंगे समथिंग लाइक दस अब जो शेड मैंने मेरी क्रीज में लगाया है वही मैं थोड़े छोटे ब्रश पे लेके लोअर लास्ट लाइन पे भी लगा लूँगी इन सारे शेड्स को हम इस कॉर्नर में आके यहाँ पे मिला देंगे ताकि ये सारा स्मूथ uh, लगे एक, एक साथ लगे अब आप अपनी लोअर लैश लाइन को और भी ज्यादा वाइब्रेंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो लाइक like, थोड़ा सा और कोई डार्क शेड लगा ले आ, मैं यूज़ करना चाहूंगी दस क्यूट शेड और uh, बड़े प्यारे फ्लैट से ब्रश पे और ऐसे हम हमारी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर लेंगे ये बहुत ही प्यारा सा कोला जैसा कलर है और इसी कलर को लेके मैं थोड़ा सा स्मज कर दूंगी लाइनर जैसी लुक क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस कैन सी मुझे लगता है कि पाउडर्स के साथ प्ले करना ज्यादा आसान है अगर आप लिक्विड के मुकाबले सो so, अगर आप बिगिनर हैं तो पाउडर्स के साथ ज्यादा प्ले करें uh, वैसे ना ये पाउडर्स uh, के साथ जो स्मज किस्म की लुक आती है वो स्ट्रक्चर्ड काले लाइनर से ज्यादा अच्छी लगती है सो so, इस तरह लाइनर जैसी लुक हो गई है क्रिएट और अगर आप इसको थोड़ा और डार्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर मैं नहीं करूंगी अब मैं आने वाली हूँ लैस पैराडाइज मस्कारा बहुत ज्यादा पसंद है ओके okay, ये लैस पैराडाइज मस्कारा कॉस्कोबी में मिल जाता है बाहर जितने के दो आएंगे वहाँ पे आई थिंक तीन ना जाएंगे सो so, वहां से ले सकते हैं आप uh, मस्कारे का बहुत सारे कोट्स लगाए जितने भी आप लगाना चाहते हैं पर मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि आपको पता है की मैं लैशेस लगाने, लगाने वाली हूँ तो फिर मैं एनी मै रनिंग करूंगी मस्कारा लगाने का पर्पज है की लैशेस को लगाना आसान हो जाए लैशेस के साथ आपकी नेचुरल लैशे स्म हो जाए सो लोअर लैसे पे मस्कारा जरूर से लगाए बहुत ज्यादा पेटी लगता है क्विकली मैं मेरे आई को फिल कर लूंगी आईब्रोज को फिल करने के लिए एक कफर्टेबल प्रोडक्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ वो है ये एल्फ का पैलेट इसमें जेल है दो पाउडर के शेड्स है एंड एक वाइट जेल भी है आ, अपने आईब्रोज को आईब्रो के ब्रश आईब्रो के बालों को टेम करने के लिए पर मैं सिर्फ ये वाला पाउडर यूज करती हूँ जो डार्क ब्राउन है पहले स्पूली से मेरे आईब्रो हेयर को हम ब्रश कर लेंगे ताकि जो फेस का प्रोडक्ट है वो उतर जाए और अब हम लेंगे ये पाउडर एंगल ब्रश पे लाइटली मेरे आईब्रोज को हम फिल करेंगे स्पेशली से क्योंकि यहाँ पे नेचुरल बाल है पर बहुत कम है सो so, अपने नेचुरल आईब्रो की आ, उसके साथ ही प्ले करें ज्यादा अच्छा लगेगा पर आप जो भी कर सकते हैं जो भी आपका मन करो so, यहाँ पे भी हम एक लाइन से क्रिएट करेंगे क्लीन आईब्रो लुक के लिए एंड देन दैट्स इट कोने में बहुत ज्यादा केयरफुल जितना आप नीचे ड्राई करेंगे आपका फेस ड्रुली लग सकता है या बहुत नकली लग सकता है तो उसका करें कि सो ये ना लुक आप एवरी पहन सकते हैं और इसको थोड़ा सा ग्लैम अप करके थोड़ा शिमरी शेड लगा के आप पार्टी पे भी पहन सकते हैं ऐसे लुक के साथ ना आप कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे रॉन्ग नहीं जाएंगे मतलब रॉन्ग नहीं होगी तो बहुत ईजी है बहुत सिंपल है अच्छी ही लगेगी तो so, ये एंगल uh, ब्रश पे थोड़ा सा आईब्रो प्रोडक्ट बचा हुआ है इसे हम यहाँ पे उतार देंगे ब्रश भी क्लीन हो जाएगा और हमारा विंग ज्यादा अच्छा क्लीन हो जाएगा तो <laughs> लैशेस so, के लिए यूज कर रही हूँ uh, इसका लिंक uh, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है uh, मेरे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टाइल है बहुत प्यारी लैशेज अगर आप नहीं देखें तो जरूर से देखें जो स्टाइल मैं यूज करने वाली हूँ वो है गोवा और मेरी लैशेज को आप ना ट्वेंटी फाइव प्लस टाइम पहन सकते हैं मैं तो बहुत बार पहनती हूँ मुझे लगता है मैं उससे भी ज्यादा बार पहन लेती हूँ और अब इस पे मैं ग्लू लगाने वाली हूँ ग्लू मैं यूज करती हूँ

लत लग गई ना फिर आप मजा नहीं आएगा बिना लैशेज के लैसेस को ड्राई होने देते हैं एंड मैंने मेरे फेस को ना सेट नहीं किया लैशेज का ग्लू थोड़ा टैकी हो चुका होगा सो so मैं अपने शीशे को अपने बहुत नजदीक रखती हूँ एंड लैश को मेरी नेचुरल लैश लाइन के बहुत नजदीक प्लेस कर देती हूँ एक दो सेकंड के बाद फिर मैं कोने एडजस्ट कर देती हूँ आप अपना हाथ भी यूज कर सकते हैं पर मुझे लगता है की टूजर के साथ जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है मेस करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं आप देखिये की ग्लू टैकी है जहा पे भी आप चिपका रहे हैं आपकी लैशे बहुत इजिल चिपक रही है यही इजी टिप है और एक और चीज करना चाहूंगी मैं कि आप प्रैक्टिस करते रहे स्पेशल ओकेजन की वेट मत करें और ड्रग स्टोर मटीरियल लैशेज होती है ना उनको लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही सिंथेटिक लिफाफे जैसी होती है सो so, थोड़ी ठीक ठाक क्वालिटी की लें एंड देन प्रैक्टिस करें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और उतना ही आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी यस yes, मे लगता है कि मुझे लैशेस लगाने में एक मिनट लगता है और जब आप लैशेस लगाते हैं ना आप किसी ओकेजन पे जा रहे हैं ना मेक श्योर करें कि आप अपना ग्लू साथ में लेके जाएं क्योंकि बहुत बार होता है कि आंखों में पानी आ जाता है है या कुछ भी तो ये कोने उतर जाते हैं तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं कई बार मेरा लैशेज के कोने अगर उतर जाए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ इतनी क्योंकि आ, पर अगर आप किसी ओकेजन पे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं like, लाइक को फिक्स कर सकते हैं तो हमारे लैशेस लग चुकी हैं अब बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेड लिप कॉम्बो उसमें मैं दो लिप शेड यूज करने वाली हूँ जब रेड लिप्स लगाते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है कि जो आईज है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल हो देखिये कितनी ज्यादा न्यूट्रल एंड बेसिक सी है पर आप इसको ग्लिटरी कर सकते हैं लाइक गोल्ड ग्लिटर या कोई भी शिमर शेड अगर आप इवनिंग फंक्शन में जा रहे हैं पर मैं ऐसे ही रहने दूंगी अब मैं क्या करूंगी कि मैं लिपस्टिक लेने वाली हूँ मेरी फेवरेट फ्रॉम मैथ सो तो, अगर जब आप रेड लिप्स लगाते हैं ना तो मेक श्योर sure करें कि लिप लाइनर जरूर से यूज करें क्योंकि उससे फिर ना गलतियां कम होती है क्योंकि रेड लिप्स के साथ गलतियां बहुत ज्यादा दिखती है एंड अब, अब मैं क्या करूंगी लाइनर मेरे पास इस समय रेड नहीं है तो मैं यूज कर रही हूँ मिलानी का स्पाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्योंकि नच हमारी स्किन जैसा कलर है इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे काम करना है कहां पे नहीं सो आई थिंक अब मुझे आइडिया आ चुका है कि क्या करना है अब मैं मैकी रूबी वो लूँगी ये मेरा फेवरेट रेड है मिलियन ईयर से अभी तक मुझे इसकी टक्कर का कोई और रेड नहीं मिला है पर आ, अभी मैं वो फैंटी का रेड खरीदने वाली हूँ क्योंकि वो हर एक स्किन पे अच्छा लगता है लेट्स ही अगर वो इसे रिप्लेस करेगा तो इससे मैं मेरे लिप्स को फिल कर लूँगी अच्छी तरह ये जो रूबी वो है ये ऐसा रेड है जो हर बंदे की स्किन पे अच्छा लगता है क्योंकि ब्राउन स्किन पे अच्छा लगने वाला रेड मेनू लादा इतनी आसानी से मिलता नहीं है क्योंकि मुझे महरून या ये डीप किस्म की रेड अच्छे नहीं लगता मुझे अच्छा लगता है कि वाइब्रेंट येलो किस्म का रेड हो सो अब मैं लेने वाली हूँ ये सफोरा का रेड लिक्विड लिपस्टिक इसका शेड है शेड नहीं मुझे पता इसका नंबर है जीरो So, सो फिल करूंगी मेरे लिप्स के अंदर सिर्फ मिड में इसका शेड भी बहुत ज्यादा प्यारा है मुझे लगता कि है कि रूबी वू का लिक्विड वर्जन है ये सो अब हम उसे ड्राई होने देंगे क्योंकि okay, ये लिक्विड लिपस्टिक है इतना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये है पैसेफिका ब्रांड का जो की आपको शॉपर से मिल जाता है इस पैलेट का नाम है चेरी गोल्ड ये आ, मुझे लगता है की मुझे इप्सी बैग में मिला था पैसेफिका ब्रांड के पास मैं कभी भी खड़े नहीं हुई हूँ शॉपर्स में मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा ब्रांड है पर जब मैंने ये ट्राई किया ना इतना खूबसूरत लगता होता है ना हमारी स्किन पे ऐसे क्यूट से ब्रश पे ले रही हूँ मैं एंड इससे मैं मेरी हाई पॉइंट पे लगाऊंगी ऐसी स्किन पे जैसे मेरी स्किन ही शियर एंड हेल्थी हो वहाँ so uh, पे लगाऊंगी जहाँ पे टेक्सचर नहीं है मैं नहीं चाहती कि मेरी की मेरी का टेक्स्चर इनहेंस हो क्यूकी रब की मेयर के साथ काफी ज्यादा है like, हमारी सबकी स्किन पे होता है अगर आपको लगता है ना कि किसी की स्किन पे टेक्सचर नहीं हो वा हो इसकी स्किन कितनी स्मूद है वो सारा कुछ नकली है टेंशन ना लो इनर है कॉर्नर में भी लगा लूंगी ये ना थोड़ा पीची एंड रोज गोल्ड जैसा शेड है बिल्कुल गोल्ड या बिल्कुल स्किन जैसा नहीं है पर ये जैसा आपको ग्लो देता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है देखिए कैसा नेचुरल सा ग्लो दिया है इसने मेरी स्किन को आई आई थिंक हमारे लिप्स ड्राई हो चुके होंगे लुक के लिए ना एक और छोटा सा स्टेप करूंगी मैं ये लिक्विड लाइनर ले रही हूँ काले रंग का इससे मैं मेरे डियर डक पे थोड़ा सा विंग क्रिएट कर लूंगी उससे मेरी आंखें ना थोड़ी ओपन लगती है अदरवाइज बेचारी धुंधली तो हो जाती है ओपन का मतलब है थोड़ी शेप लगती है आईज में अदरवाइज ना पता नहीं चलता सो मैं विंग भी क्रिएट कर लूंगी यहाँ पे मैं सिर्फ कोने में आई लाइनर लगाती हूँ इल्यूजन हो जाता है की सारी आई पे लाइनर है बट होता नहीं है इस तरह हमारा प्यारा रेड लिप्स वाला लुक तैयार है आई डोंट नो मेरे कपड़े इस लुक के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं पर जो मैं आपको सिखाना चाहती थी उम्मीद है कि मैं उसमें कामयाब हुई हो होंगी कि आप रेड लिप्स के साथ कैसी आई लुक कर सकते हैं एंड बहुत ही आसान दो तीन स्टेप के साथ ही आप मेकअप के लिए तैयार है सो यस येट सेट ऑलरेट प्यारे दोस्तों तो ये है मेरी फिनिश लुक उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी अगर लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करना तभी मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं और मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा सिंपल बेसिक एंड सबको समझ में आने वाली होती है मैं ऐसी भाषा में बोलती हूँ ताकि मेरे सारे दोस्त मेकअप के एक्सपर्ट बन जाए मैं मिलूंगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों ब्यूटीफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग थिंक अबाउट सो वेरी मच बाई